नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। मैं आपके साथ आज अनुषा। इस वक्त मुजफ्फर फाटक पहुंचे, यहां पर एक युवक कटकर मर गया है। एम्बुलेंस की गाड़ी यहां पर पहुंची, तमाम लोग हैं यहां पर और पुलिस भी देख सकते हैं यहां पर मौके पे मौजूद है। आइए जानते हैं आखिरकार मामला क्या था पूरा और क्या हुआ था, किस वजह से जो वो युवक कटा है, कैसे कब कटा है, कुछ जानकारी अगर होगी पुलिस वालों के पास तो बस जानने को। सर क्या हुआ था एक बार कुछ जानकारी हो, कैसे क्या हुआ था? ये मैडम, मैं तो सुबह 7:30 बजे मतलब जो इतला मिली है कि ऐसे बात है, एक डेड बॉडी है। अच्छा, एक डेड बॉडी। हम सुबह जो 7:50 पे यहाँ आ गए थे, 7:30 बजे इतला मिली है, 7:50 पे यहाँ आ गए थे। आके देखा तो डेड बॉडी हटाई हमने, पता लगा कि भाई गाड़ी खड़ी है उसकी। हाँ, तो गाड़ी क्या उम्र क्या लग रही है युवक की? उम्र तो मतलब जो अभी 50 से 55 साल लग रही है, मतलब ओल्ड एज है। मतलब ऐसा क्या लग रहा है, देख के कटा है या फिर कुछ? नहीं, रेलगाड़ी से कटा है। ये देखो अभी कार्रवाई हो रही है, शनाख्त हो जाएगी, बारसान बुलाए अभी उसके बाद ही पता लगेगा। आइडेंटिफाई हुआ हो कि कहाँ का युवक है, क्या नाम है? ये अभी कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ, कुछ नाम वगैरह कुछ पता नहीं। नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला। अभी यहाँ एक गाड़ी हमें जो खड़ी मिली है उसके आधार पर शनाख्त कर रहे हैं, बाकी बॉडी का भी कोई शनाख्त नहीं है। अच्छा, यही दे सकते हैं इस वक्त हम आपको बता दो। तो मुजफ्फर फाटक है जहाँ इस वक्त हम पहुँचे और एक युवक की कटने की जो खबर है वो बताई जा रही है कि आदमी है 50 से 55 साल जो है उसकी एज बताई जा रही है। यहाँ पर तमाम लोग हैं। जो आप लोग यहीं पर थे, कैसे क्या हुआ, तो कुछ जानकारी मिली हो ऐसा कुछ? गाड़ी खड़ी है। कौन सी गाड़ी है वो? ये कार जो है, मतलब अच्छे घर आने का लग रहा है युवक। हाँ, वो पुलिस वाले तो बोल रहे हैं कि 55 से 50 साल का लग रहा है। एज कितने लग रही है युवक के, अगर कुछ देखा हो आप लोगों ने? देखा नहीं आप लोगों ने? अच्छा, कौन सी गाड़ी, कौन से? एक बार मैं आपको गाड़ी वो दिखाने की भी कोशिश करती हूँ कि आखिरकार गाड़ी का कौन है और क्या हुआ था, क्योंकि सर ये गाड़ी जो है वो उन्हीं की है, अभी कुछ कंफर्म नहीं हो गाड़ी किसकी कौन सी है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। यही दे सकते हैं जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि शायद गाड़ी वो है जो ग्रे कलर की दिख रही है, अभी कुछ ऐसा श्योर नहीं हुआ है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि गाड़ी शायद उसकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, हम आपको गाड़ी का नंबर अभी नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ तमाम लोग हैं, अभी फिलहाल जो बॉडी है वो एम्बुलेंस में रखवा दी गई है और मौके पर पुलिस भी है। मौके पर देख सकते हैं पुलिस भी और तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पे कहा जा रहा है। सर उम्र क्या लग रही है युवक की, क्या अभी उसकी मतलब जो कंफर्म नहीं है, क्यों बॉडी लिपटी हुई है तो उसकी अभी कंफर्म हमें उम्र की पता नहीं है। 50-55 अंदाजा इतनी तो है, 50 मतलब एजेड लग रहा है। और ये गाड़ी क्या लग रहा है, गाड़ी उसकी है किसकी, क्या लग रहा है? कह नहीं सकते जी अभी पक्की। अच्छा, कपड़ों से सर एक बार मुझे बताइए, कपड़ों से क्या लग रहा है, मतलब लो क्लास है कि क्या लग रहा है? ऐसा मैडम जी, कपड़े उसके मतलब जो गाड़ी ने मतलब जो फाड़ दिए है। अच्छा, हाई क्लास है। वैसा मतलब जो ठीक ठाक घर से लग रहा है, ठीक घर से लग रहा है। तो मतलब रोड कैसे क्या होगा सर, रोड क्रॉस कराओगे फिर सुसाइड किया, क्या लग रहा है सर? देखो जी अभी मतलब जो हमें अभी कंफर्म नहीं है कि भाई ये सुसाइड करेगा क्या, अभी पता लगेगी, बाकी देखते हैं जो शनाख्त करने के लिए जो इसके बुलाए जो जैसे गाड़ी के हिसाब से, तो उस वजह से जब शनाख्त कर लेंगे जब पता। मतलब अभी कंफर्म भी नहीं कि गाड़ी उन्हीं की है कि नहीं है, अभी मतलब कंफर्म नहीं है। हाँ, ठीक है, ये दे सकते हैं। इस वक्त मुजफ्फर फाटक पहुंचे हैं, यहाँ पर पुलिस भी है और साफ तौर पर उस युवक है उसकी उम्र कितनी है, क्योंकि पुलिस वाले जो बोल रहे हैं कि 55 से 50 साल उम्र जो बताई जा रही है लगभग। फिलहाल अभी युवक की जो बॉडी है अभी कुछ कंफर्म एज का भी नहीं हो पाया। हाँ, एक बार ये दे सकते हैं, मैं आपको बता दूं ये मुजफ्फर फाटक पड़ता है, अगर आप बीके चौक से भी इधर आते हैं तो अभी 10 मिनट की दूरी पर मुजफ्फर फाटक पड़ता है। यहाँ पर एक युवक है या फिर आदमी, क्योंकि अभी एज भी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रही है कि 25 से 30 साल उम्र है या फिर 50 से 55 साल उम्र है, क्योंकि पुलिस वाले कह रहे हैं कि 50 से 55 साल उम्र बताई जा रही है। और कपड़ों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद अच्छे घराने से आदमी था। और गाड़ी वहां पर खड़ी है, अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि गाड़ी किसकी है, उसी आदमी की गाड़ी है तो किसी और की है। लेकिन अभी एम्बुलेंस में उस आदमी की गाड़ी बॉडी जो है वो रखवा दी गई है। फिलहाल कल देर रात का मामला या फिर आज सुबह का मामला हुआ था सर? अच्छा, ये अभी कुछ ऐसा कंफर्म नहीं पाया कि आज सुबह हुआ या फिर कल देर रात का मामला है। ये जानकारी का मतलब जांच का विषय है, आगे के जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस वक्त देख सकते हैं मुजफ्फर फाटक पहुंचे और तमाम जो लोगों की यहाँ पर भीड़। आप लोग यहीं पर थे, कुछ ऐसा पता चला हो आप लोगों में से कोई यहाँ पर? मैं तो अभी आया हूँ।
अच्छा, अभी जैसे जैसे मतलब पजल वैसे लोग आ रहे हैं। हाँ, मैं तो अभी आया हूँ, मेरे को तो फाटक मार जाना था, फाटक खाते, इसी वजह से मैं रुक गया। अच्छा, ऐसा तो नहीं मतलब लोग बहुत सारी दुर्घटनाएं ऐसे भी होती हैं कि लोग 5 मिनट का रास्ता सोचते हैं कि 2 मिनट में हो जाए तो यहीं से फाटक की तरफ से ही रास्ता क्रॉस कर लेते हैं, ये यहीं पर इसी फाटक के हालात नहीं, ये हर फाटक के हालात है। मतलब 5 मिनट के रास्ते को 2 मिनट में तय करने की वजह से लोग अपनी जान गंवा देते। तो एक बार फिर से ऐसा ही मामला, अभी तो कुछ इसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि सुसाइड है या फिर कट के मर गया युवक, अभी कुछ जानकारी इसकी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस जो आगे की जाँच पड़ताल जरूर करेगी। ऐसी जो भी खबरें होगी हम आपको जरूर बताएंगे। तो तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए सिटी न्यूज़ 100। मैं आज मिश्रा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।